हाय, मैं हूँ सस्ता अमिताभ बच्चन पोकेमोन एडिशन केबीसी से। तो पिछली बार के विजेता आपके सामने हैं। तो आज का सवाल है, ऐश के ड्रैगनाइट ने सबसे पहले कौन सा मेगा इवॉल्व पोकेमोन को हराया है? कमेंट डाउन। सो हे द गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। फाइनल मैं चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। सो लास्ट एपिसोड में मेरा सितारा इवॉल्व हो चुका था स्टारैप्टर में, और मुझे मिला था एक आइवसॉर भूतनी की तरफ से। हाँ, और इसके पास विनसॉराइट पहले से ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं आइटम्स में। तो इसकी एबिलिटी है ओवरग्रो, और मैंने इसका लेवलअप इतना तो कर दिया है भाई साहब, और इसके साथ ज्वाला का भी लेवलअप किया है। तो हमारी टीम अब बैलेंस्ड है। एक मिनट, सबसे कमज़ोर कौन है भाई? बिजली और सौर। चलो कोई बात नहीं, तो मुझे जाना है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं जाना, मुझे पता है ऊपर भी नहीं। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लो। चलो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे यहाँ यही जाना है। तो एक मिनट, एरो सिटी, एक मिनट, मुझे एरो सिटी जाना था क्या? मुझे नहीं पता कहाँ जाना है मुझको। और लास्ट एपिसोड में मुझे सर्फ भी मिल चुका है, तो मैं इस्तेमाल करता हूँ यार। अरे कोई नहीं सीख सकता, मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। घर घर वर में मैंने देखा नहीं है, ठीक है। सो मैं चेक करके आता हूँ। इसने मुझे TM23 दिया है, जो कि होगा क्या, एक मिनट देखते हैं क्या। TM23 ग्रास नॉट दिया, ठीक है। तो ये घर है, ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है, मिलता हूँ। सो यहाँ पर मुझे गुड रॉड मिल चुका है, आपको इससे बैटल करनी होगी और ये आपको गुड रॉड दे देंगे। तो इस मोहतरमा ने मुझे ट्विस्टेड स्पून दिया है, दिखाता हूँ, ये है, ठीक है, ये दादी जी का बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। सो आई थिंक सो सब कुछ हो गया, राइट, ये चेकआउट तो हो गया। और हाँ, हो चुका है एक्सप्लोर, थोड़ा हील करता हूँ, थोड़ा डैमेज हुआ है पोकेमॉन्स को, इसलिए थोड़ा हील करता है। और एक और काम है, रुकना, आइवसॉर तुम्हारा ये ले लो, और टेक आइवसॉर को एक्सपी शेयर देते हैं। कहाँ है एक्सपी शेयर? चलो, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैं मॉनफर्नो को आगे रखता हूँ, उसको भी तो इवॉल्व करना है, बहुत मेहनत से इतना लेवलअप किया है। यहाँ पर ए वीगल, और फिर से बैटल मत कर लियो। लेकिन यहाँ पर कोई बैटल नहीं है, ये एक बैटल है, तो चलो इससे बैटल किया जाए, देखते इसके पास क्या पोकेमोन है भाई। मतलब मूड का कचड़ा करने आते हैं भाई। शॉक कोई नहीं, स्पार्क मारते, चलो हार गया। अगला पोकेमोन क्या है? वेपोरियन। मैं थोड़ा सौर का ट्राई करता हूँ, तो चलो देखते क्या होता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ रेजर लीफ है, तो मैं यही करूँगा ऑब्वियसली यार, इसके पास कोई अच्छे मूव्स आए नहीं। आए तो थे लेकिन वो उतने भी अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं सिखाए। चलो हरा दिया, तो मेरे पास तो सर्फ नहीं है, और मुझे गुड रॉड मिल चुका है, तो मैं उसको इस्तेमाल करके यहाँ फिशिंग करता हूँ, ठीक है। ओ कौन पकड़ा? अरे लाउडिस्क, एक मिनट, मेरे पास पोकेबॉल है क्या? एक मिनट देखते हैं, तीन पोकेबॉल से क्या खाक होगा? अरे यार नहीं, क्या पसा है ये, क्या है? फीनी फीनियन, मुझे उतना खास लगता नहीं है।
हमें कैसा पोकेमॉन चाहिए जो सर्फ सीख सकता है। तो ठीक है, यही है मेरा मिशन कि आज मुझे कैसा पोकेमॉन पकड़ना है जो सर्फ सीखे। लेकिन उससे पहले मुझे पोकेबॉल्स भी तो चाहिए उसको पकड़ने के लिए। तो मैं ग्रेट बॉल नहीं उतना, हाँ ग्रेट बॉल खर्च सकता हूँ, इतने ले लेता हूँ और थोड़े पोकेबॉल्स भी ले लेता हूँ। चलो हो गया, शॉपिंग तो हो चुकी है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। नहीं, यहाँ पर कोई बढ़िया सा पोकेमॉन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मुझे यही मिल रहा है, थोड़ा ट्राई करते हैं। एक मिनट, मैं सौर को रखता हूँ, सौर को आगे रखते हैं। चलो अब ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं क्या मिलता है। कुछ नहीं, अब जो भी मिलेगा उसको ही पकड़ते हैं। और कोई चारा भी नहीं है यार, क्यों मैं बेफालतू में वीडियो की लेंथ बड़ी कर दूँ। जल्दी से एक पोकेमॉन मिल जाए। अबे तेरी जरूरत नहीं है जिग्लीपफ। चलो अरे आ भी जा, कोई तो आ। चलो आ गया। क्या अबे लाउड स्पीच है, मुझे नहीं लगता वो मेरा भारी वजन उठा भी पाएगा। कोई और, अब क्या। चलो ये अच्छा है, इसको ही पकड़ लेते हैं। सेव कर लो और चलो। क्या अटैक मारूं, रेजर लीफ कितना डैमेज दे। नहीं अरे यार हरा ही दिया। एक मिनट सेव। हाँ तो पहले मैं करूँगा स्लीप पाउडर, जिससे ऐसे हो जाएगी। इसके बाद कहते हैं टिक डाउन, कितना डैमेज। चलो बहुत ही अच्छे, अब कोई अटैक नहीं, सीधा पोकेबॉल डाल, पकड़ ले इसको। चलो आ गए और इसमें ले 7 मिनट लग गए। मैं इसको अपनी टीम में रखना चाहूँगा नहीं, लेकिन ये सर्फ सीख सकते हैं ना। देखते देखते सर्फ कहाँ पर है भाई। चलो सीख तो सकती है, तो सिखा ही देते कहाँ है। अट्रैक्ट, ये लड़की है तो चलेगा अट्रैक्ट। वाटर गन, रेन डांस का क्या करना है। रेन डांस निकल। अच्छा अट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा हील अप के आता हूँ। ठीक है चलो मैं तो आ चुका हूँ। चलो और हाँ, आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। एक मिनट, इससे पहले मैं रिपेल डाल लेता हूँ। चलो सुपर रिपेल। तो अगर आपको याद होगा ना, तो पिछले एपिसोड, यहाँ पर एक आइटम है वाटर स्टोन। ठीक है तो पिछले एपिसोड वो बहुत लेट आया था आपको, आप अगर आपने नोटिस किया तो पता ही होगा कि वो कितना लेट आया था, राइट। तो ऐसा ही अब और लेट हो सकता है मेरे वीडियोस। ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपलोड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ बहुत बार फील हो सकता हूँ मैं, क्योंकि अब मेरे घर में ना वो संकट वापस आ चुका है। मतलब मैं अपलोड नहीं कर सकता वीडियो, मतलब मैं नहीं बता सकता वो क्या है। हाँ ये स्कूल की बात नहीं है, घर की ही बात है, इसलिए पर्सनल है इसलिए। लेकिन हाँ इससे थोड़ी वीडियो का टाइमिंग बदल जाएगा, और एक दो बार तो ऐसा हो भी सकता है शायद कि मैं वीडियो ही अपलोड ना करूं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड कर लूं। ठीक है वीडियो बनाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है टेंशन ना लो, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है चलो ये बस मुझे कहना था इसलिए मैं, लेकिन उतना वो एरोसिटी पहुँच गया। लेकिन मुझे क्या एरोसिटी जाना है, एक है यहाँ पर करना क्या है मुझको। मुझे नहीं लगता कि मुझे एरोसिटी आना है। एक मिनट देखते हैं,
रिपेल तो डाल लो, लेकिन जाना कहाँ है मुझको? एरोसिटी जाना था क्या मुझको? नहीं नहीं मुझे एरोसिटी नहीं जाना। मैं एक मिनट टाउन मैप देखता हूँ, मुझे याद नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, तो मैं थोड़ा देखता हूँ। क्लैंटो टावर, आर्चन टाउन, मैं कहाँ था? साइबोलो टावर था ना। अरे यार हाँ तुम, मैं गलत आ गया, सॉरी। मैं बातों बातों में कहीं और भी और ही आ गया। तो चलो भाई ऊपर चलना है और इससे बैटल करता हूँ। गाइस फाइनली हमारा सॉर जो है अब वो विनासॉर बनने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है राइट। तो मेरा सॉर बन गया विनासॉर, और ये पेटल डांस सीख रहा है जो बहुत ही अच्छा अटैक है। स्वीट सेंट, चलो स्वीट सेंट भूल जा, मैं उसका इस्तेमाल भी नहीं करता। तो चलो मैं से एक्सपी शेयर ले लेता हूँ, टेक, और ज्वाला को दे देता हूँ एक्सपी शेयर, उसकी उसको ज़्यादा ज़रूरत है ना। और विनासॉर को चलो हम मेगा इवॉल्व भी कर देंगे, उसका मेगा स्टोन हाँ यहाँ पर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, विनासॉर की पावर दिखाता हूँ यार। चलो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या ही दिखाएगा पावर, लेकिन देखते हैं क्या ही होगा। ओके पहुँच गए, कहीं तो पहुँच गए, लेकिन कहाँ पहुँच गए हैं ये जगह? मुझे यहाँ नहीं आना, मैं गलत जा रहा हूँ भाई साहब। कहाँ हूँ मैं? मुझे और भी ऊपर जाना है। अरे यार मैं गलत क्यों आ रहा हूँ यार? यार रास्ता कहाँ है? दही शक्कर हो चुका है मेरा। अरे ओ यहाँ पर एक केव है रे, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया, लेकिन मैं उधर जाऊँगा से। कोई रास्ता है क्या? अच्छा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो रास्ता नहीं है यार, नहीं है रास्ता। एक मिनट मैं यूट्यूब में देख के आता हूँ ठीक है, वरना तो मैं यहाँ भूल भुलैया है। एक मिनट, चलो भाई मैं इतना बड़ा गधा हूँ ना कि मुझे सोने का लोटा दे दो ना तब भी मुझे भीख ही मांगनी है। अरे मुझे रास्ता पता है। अरे यार बेकार में आया, यहाँ नीचे जाना है हमको ठीक है, मतलब मैं तो अजीब ही बनता हूँ। ओ भाई क्या ही बचा हूँ आज, भाग ले। चलो भाई मतलब भीख ही मांगनी है मुझको। अरे यार पकड़ ही लिया इस, तो चलो भाई अब मुझे। अरे यार कौन सा पोकेमॉन सामने आ गया, फिर भी कोई बात नहीं, करते हैं पेटल डांस तो नहीं, टेक डाउन करते हैं मेगा इवॉल्व, मेगा विनासॉर। और इसने किया टेक डाउन, हालत पटली हो गई है। डबल हिट कर दे कोई भी, पहले मैं देखता हूँ कैसा लगता है भाई साहब। क्या लगता है ना विनासॉर वैसा। चलो पेटल डांस करते हैं अब, क्योंकि पेटल डांस एक अच्छा अटैक है, लेकिन दूसरा पोकेमॉन भी डॉट हुआ है, देखते हैं कितना डैमेज बढ़ता है। सुपर इफेक्टिव नहीं है पता है मुझको। ओ भाई वन हिट, मतलब मेगा विनासॉर की ताकत ही अलग लेवल की है। चलो अच्छी बात है। ओ भाई उधर शाइनिंग है, मतलब और आप लोगों ने कहा था कि ये क्या है, ये असल में मेगा स्टोन है। पोकेमॉन्स के मेगा स्टोन होते हैं, जैसे पोकेमॉन अनबाउंड में जाइगार सेल होते हैं ना, इसमें ये मेगा स्टोन होते हैं, तो ये अच्छी बात है। ओ यहाँ पर एक पोकेबॉल है डस्क स्टोन, ठीक है कोई बात नहीं, हमको डस्क स्टोन की ज़रूरत नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते, कहाँ जाना है? ओ भाई यहाँ पर एक बंदा है, एक मिनट इन मनफरना के पास ही है ना। हाँ चलो ये अच्छी बात है। वलून वैली, अरे ऊपर नहीं जाना क्योंकि मेरे पास तो वाटरफॉल है नहीं, तो यहीं पर ही जाना होगा। और यहाँ पर एक नर्जॉय है, अरे यार आपको बैटल ही करनी है ठीक है। नर्स, ये नर्स जॉय नहीं, नर्स ओलिविया है, वाह
विनसर अगर एक बार स्लज बम सीख ले ना तब मज़ा आएगा भाई। सबसे पावरफुल पॉइजन टाइप लगता है और सबसे इरिटेटिंग पॉइजन टाइप है टॉक्सिक, उसकी तो बात ही मत करो। अरे अरे थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया लगता है। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सॉर बहुत ही अच्छे। अरे चेंज आ रही थी यार, चल कोई बात नहीं चेंज कर लेंगे। अरे अरे चेंज नहीं कर सकता ना पेट्रोल डांस। अरे भाई जाने दे वे विनसॉर। चलो अच्छी बात है, कन्फ्यूज हो गया फाइनली। ज्वाला ये संभाल सकता है और भरपूर एक्सपीरियंस मिल जाएगा, टेंशन नहीं। मार्क पंच कितना डैमेज, चलो फेंट तो हो गया। चलो अब हील कर दीजिए। चलो ओके, यहाँ पर क्या है? अरे भैया भूकंप पे भूकंप आए जा रहे हैं भाई, मतलब क्या है? अरे दूसरी तरफ क्या है, सिर्फ पोकेबॉल्स के लिए छोड़ के रखे हैं। चलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे व्हाट द हेल, नेक्स्ट बॉल मिल चुका है तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मुझे ये पता चल गया है। लेकिन बहुत अच्छा सीन था, एक मिनट। हाँ हील तो कर लोगे, वैसे मुझे हीलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर हम बहुत ही अलग बंदे हैं भाई। एक मिनट ये स्किप करता हूँ। चलो भाई फाइनली इसको भी हरा दिया, लेकिन अब कहाँ जाना है, बस फिर से रास्ता ना भटक जाऊँ। अरे उधर एक पोकेबॉल, वो कैसे लूँ? चल जाने दे, एक पोकेबॉल के लिए कहाँ काहे का जाओ। ओ यहाँ पर एक पोकेबॉल है, ये ले लेता हूँ, मून स्टोन। वाओ चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक पोकेबॉल लेकिन जा नहीं सकता, चलो ऊपर ही चलते यहाँ पर। ओके अरे रिपेल डाल ले, टेंशन नहीं है, इसको हराता हूँ। चलो भाई फाइनली आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर जा नहीं सकता, तो यहीं पर यह रास्ता होगा। और मुझे गंजा दिख रहा है, अरे यार ये बग कैचर, चलो स्किप करता हूँ। चलो इस बग कैचर को तो हरा दिया, लेकिन अब जाना कहाँ है? लगता है यहाँ जाना है, लेकिन थोड़ा यहाँ भी देख लेता हूँ क्या है। यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि कुछ है, तो चलो भाई चलते। चलो यहाँ वापस यहाँ पर, अरे इसको हराता हूँ। चलो भाई इस भाई साहब को तो हरा दिया, लेकिन ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं बात करती यार। चलो रिपेल तो डाल लूँगा, लेकिन मेरे पास रॉक क्लाइम नहीं है। वो बच गए, यहाँ पर कुछ नहीं है ना। हाँ चलो एक मिनट, ऊपर क्या है ऊपर? ओ यहाँ पर एक पोकेबॉल है, चलो ले लियो। जिंक मिला मुझको और यहाँ तो नहीं है कुछ भी, लेकिन और यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है मुझको। और वलून टाउन पहुँच के, और यहाँ कुछ रेंजर बात कर रहे हैं, वी नीड टू गो एंड चेक नेमेसिस केव, पीपल माइट हैव गॉट हर्ट इन द अर्थक्विक। अच्छा हुआ अर्थक्विक से, ठीक है लेट्स मूव आउट टीम। तो रेंजर लोग कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमारी क्या गलती है? तो हमें भी क्या उनकी मदद तो नहीं करनी ना? चलो कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब रिपेल नहीं, थोड़ा चेकआउट करके मिलता हूँ, ठीक है गाइस। तुम इससे ट्रेड कर सकते हो, आइटम्स का ट्रेड। अगर तुम्हारे पास स्टार पीस है ना, तो ये तुम्हें पीपी अप देंगी, जो अच्छा है, एक सही मानने में तो अच्छा ही है, ठीक है तो मिलता हूँ। तो गाइस उतना खास तो मुझे मिला नहीं, लेकिन यहाँ मेरे जिम क्लोज है। और ये क्या है, ये मुझे कुछ अलग ही लग रहा है, तो लगता है हमें उन रेंजर्स के ही पीछे जाना है, तो चलते। नेमेसिस क्या ही होगा, रिपेल डाल लेते हैं, रिपेल चलो 7 सुपर रिपेल है। वो भाई सर्फ करना है फिर से, पहुंच गए यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो जल्दी। अरे यार गाइस हमारा ज्वाला इवॉल्व हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, फाइनली 36 लेवल का हो चुका है।
और ये बन चुके इन्फरनेप, इसने क्लोज कॉम्बैट सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। सो आप देख ही सकते हो कि मेरे पास है इन्फरनेप। और हाँ, मैंने फ्लेम चार्ज को हटा लिया क्योंकि कट नहीं हटा सकता यार। तो आप बता सकते हो कि मूड डिलीटर कहाँ मिलेगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, मेरी मदद हो जाएगी। तो मैं ये निकाल के टेक किसको दूँ, बिजली को देता हूँ। चलो एक्सपी शेयर बिजली को दिया जाए, कहाँ है। और वीना सर तू अब आराम कर, अब ज्वाला संभाल लेगा। चलो सेव कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो इस नेमिसिस केव तो अच्छा केव लग रहा है, यहाँ पर कोई आइटम तो मिल नहीं। ए माउंट मून जैसा ही लगता है यार वो। यहाँ ऊपर एक पोकी बॉल है, मुझे पता नहीं रास्ता, बस ऐसे ही जा रहा हूँ। अरे भैया भाई भाई इस भाई साहब, चलो बच गए। ऐसे प्रोनेस होनी चाहिए, प्रोनेस, पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओह लगता है मैं सही पहुँच गया, मैं तो बस ऐसे ही गस करके आया। इट्स अनदर टैबलेट, ये हाँ लिली भी लग रहा था मुझको भी। यू ओवर देर, अरे ये रेंजर भैया, चलो देखते हैं। आई सी यू हैव फाउंड नेमेसिस केव टैबलेट, वी रेंजर हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस टैबलेट फॉर सम टाइम। अच्छा वाई नाउ, वी सस्पेक्ट इट माइट बी कनेक्टेड टू द अर्थक्विक्स। वैसे ये इंस्क्रिप्शन सब बनाए क्यों गए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे ऐसे पोकेमॉन क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंटरेस्टिंग है स्टोरी। चलो देखते हैं, स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग है। दैट हैव बीन हैपनिंग रिसेंटली, देर वॉज एन ओल्ड लेजेंड विच टोल्ड ऑफ पोकेमॉन विच मेक दीज टैबलेट्स ग्लो वाइट कलर। वी ट्राइड ब्रिंगिंग अ लीलीप थो एंड नथिंग हैपन्ड। एनी वे आई एम सॉरी टू बोर यू। अच्छा सच में तूने मुझे बोर कर दिया है, तू बता। ओ एंड यू शुड कम बाई रेंजर हेडक्वार्टर लेटर। मैं क्यों आऊँ, बग कॉन्टेस्ट में जाना है, बग कॉन्टेस्ट, ये क्या बात है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ कि यहाँ क्या। अरे यार यही नुकसान होता है अगर तुम बैटल स्किप करते हो और भूल जाते हो, तो यही नुकसान होता है यार। तो चलो यहाँ पर कूद लिया जाए। ये क्या है अजीब सा पत्थर, रेपेल डालो और यहाँ पर सर्फ करते हैं और देखते हैं। ओ यहाँ पर एक ओल्ड एम्बर मतलब एरोडैक्टाइल मिल जाएगा, वाह। लेकिन मैं टीम में तो नहीं रखूँगा, ओके एरोडैक्टाइल का लेवल 1 नहीं होगा ना, तो उतना लेवल अब कर कर के कौन पकेगा भाई। और मेरे पास तो यही रॉक स्मैश तक का नहीं है। ओ मैंने स्किप कर दिया क्या, मेरे क्या वो वाटर टाइप पोकेमॉन रॉक स्मैश सीख सकता है क्या, चलो देखते हैं। वो सौर सीख सकता है, नहीं यार क्यों ही इतना रिस्क लूँ। अरे बस इतना इससे रास्ते के लिए था क्या। अरे यार चलो भाई लोग, वीडियो की लेंथ तो बढ़ गई है, लेकिन चलो देखते हैं यार, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। एक मिनट, चलो ये तो हो गया। तो यहाँ पर कुछ है क्या, अच्छा यहाँ पर एक आइटम है, मैक्स पोशन जो बहुत अच्छा आइटम है। यहाँ पर हो, यहाँ पर भी क्या आइटम्स है भाई साहब। क्या और भी रास्ता है क्या, मुझे तो नहीं लगता, मैं नहीं जाऊँगा, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं लगता ऊपर रास्ता है। सो चलो भाई, क्या मेरे पास एस्केप रोप है क्या, ज़रा देखते हैं। एस्केप रोप नहीं है लगता है, हाँ है भाई एक है। चलो भाई एस्केप करते हैं। अरे यहाँ कुछ है, आर यू श्योर इट्स हियर, वेल आई सॉर्ट ऑफ लॉस्ट द मैप, आई एम नॉट श्योर वेयर वी आर राइट नाउ, व्हाई डिडंट यू से सो देन, आई एम सर्टेन दिस इज़न्ट द राइट वे, वी शुड गो बैक एंड चेक द अदर पाथ।
सॉरी एजेक्यूएल, क्या भाई सर बहुत खतरनाक नाम है भाई। चलो भाई मैं उस सिटी में वापस चलते, तो मैं आपको उधर ही मिलता हूँ। भाई लोग मैं चल रहा था लेकिन मुझे यहाँ मैक्स रिवाइव मिल गया। आपको रास्ता बता दूँ, आपको बस यहाँ नीचे आना है और आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर इस सिटी में, तो अगले एपिसोड में हम ये जर्नी कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया तो मेक श्योर टू लाइक, और चैनल पे नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। एंड थैंक्स, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन बी आउट।